बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पे जॉब मिलेंगी। प्राइवेट सेक्टर में पता है आपको 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, उसमें घर चलाना आसान है? कभी सर्वे होता है इस टाइप का कि 6 हज़ार रुपये बच्चा दे देता है रेंटिंग पे तो क्या खाएगा? महंगाई की बात करो तो देश तरक्की कर रहा है, महंगी तो होंगी चीज़ें। अरे भैया तो उस टाइम क्यों रोते थे जब सिलेंडर 450 का था? आज एक बार सिलेंडर दे के वापस अब वो भरा ही नहीं सकते गांव के लोग, कहाँ से भरा लेंगे 1100 रुपए? एक शहर के बंदे को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। गांव में दो ना रोज़गार, क्यों नहीं देते? क्यों शहर की तरफ भाग रहे हैं शहर की तरह? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज़ादी बिल्कुल नहीं मिली है, बल्कि हम गुलाम पे गुलाम हो रहे हैं। अब काले गुलाम हम पे, काले अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी बहुत चलती रहेगी, बिल्कुल अब सोचोगे कि एकदम ही चेंज हो जाएगा तो धीरे धीरे होगा ना, स्टेप बाय स्टेप। अब मतलब कि पब्लिक की डिमांड जो होती है ना, वो सोचती है पता नहीं मोदी पता नहीं क्या कर देगा यार, कम से कम एटलीस्ट टाइम तो दो। धीरे धीरे होगा ना, पहले और अब डिफरेंट जो है ना उसको देखो, जो पहले जो कंडीशन थी कोई पूछता था इंडियंस को नहीं ना, और अब जाके देखो तो उस चीज़ को फ़र्क है ना। अब ये धीरे धीरे होगा, एकदम तो जादू नहीं हो पाएगा, मैजिक नहीं हो पाएगा, ये मैजिक नहीं, रियल लाइफ है ये। नहीं, गरीबी से बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हुआ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी है, काफ़ी गरीब भी हैं, यहीं देख लो ज़्यादा दूर मत जाओ। मोस्टली कंट्री में देखो, इंडिया थोड़ा, ये इंडिया पहले से बहुत बेटर हो गया यार। अपनी माइंड की सोच बदलने की ज़रूरत है बस, अब देश बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी की हम बात करें तो देश आज़ाद नहीं है। देश को आज़ादी के लिए ये सारी चीज़ों को क्लियर करना होगा, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा, और हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ये चेंज होना चाहिए बिल्कुल, तभी देश आज़ाद होगा। अभी जो राइट्स वगैरह हैं, इतना हिंदू मुस्लिम और ये सब चल रहा है, इस तरह से देश आज़ाद नहीं हो सकता यार। ऐसे तो वर्ल्ड में कोई आज़ाद नहीं है फिर, क्योंकि करप्शन तो अमेरिका में भी है, पॉवर्टी वहाँ भी है, बट ये है कि हमें खुद से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एक आधा स्टेप तो हमें भी लेना पड़ेगा उसके लिए। गरीबी से आज़ाद नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कभी हो भी पाएगा, हर जगह पे देखो गरीब लोग ही रहते हैं तो जी। बेरोजगारी बहुत है अभी पूरे देश में, बहुत ही है, यहाँ तो किसी को नौकरी भी नहीं मिलती है, बेरोजगारी तो बहुत है, बहुत ही है। तो आपको लगता है कभी ख़त्म होगा वो? मुझे तो नहीं लगता कभी ख़त्म होगा, कभी नहीं होगा, नहीं नहीं। सिंगापुर जो कंट्री है वो भी हमसे बुरी हालत में थी, उनका ख़त्म हो गया। आपको लगता है इंडिया ख़त्म होगा? आप खुद देख लीजिए।